सब्सक्राइब कीजिए टेक्ट्यूबर्स यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट क्वालिटी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, टेक्ट्यूबर्स में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ शादाब अशरफ और दोस्तों आज की इस वीडियो में थोड़ा हम टेक्निकल बात कर रहे हैं। बीच में ये हम काफ़ी टाइम तक ये पार्ट नहीं कवर कर पाए, लेकिन आज थोड़ा सा टाइम मिल गया है, टाइम नहीं मिलता है। तो इसमें हम आपको बेसिकली बताएंगे कि जो कनेक्शन होते हैं कैमरा के, सीसीटीवी कैमरा के, ये कनेक्शन किस सूरत में आप कर सकते हैं। कुछ नहीं होता, बहुत सिंपल है। ये बीएनसी कनेक्टर आता है, ये कनेक्टर आपका एक ये कैमरा, जब आप कैमरा ख़रीदते हैं तो उस कैमरे में कनेक्टर लगा होता है, वो होता है फीमेल, और ये मेल कनेक्टर होता है, वो इसके अंदर आके फंस जाता है, ऐसे घूम जाता है, बात ख़त्म हो गई। बाकी ये कैमरे की तार है। अब ये वाली तार तो नॉर्मल तार है जो कैमरे के साथ आती है 3+1, और एक हम वाली 4-कोर वाली नेटवर्किंग वाली तार भी यूज़ कर लेते हैं कैमरे के लिए। तो दोनों ही सूरतों में सेम चीज़ें होती हैं और सेम तरह से कनेक्शन होते हैं। हम यहाँ पे ये तार यूज़ कर रहे हैं जो नॉर्मल कैमरे में यूज़ होती हैं, हर जगह लगती हैं, ठीक है। तो इसमें हम कवर कर रहे हैं इस वीडियो में कि किस तरह से ये कैमरे की तार में हम DC कनेक्टर और ये आपका BNC कनेक्टर ऐसे कनेक्ट करना है। कैसे करेंगे कनेक्ट भाई? ये भाई हमने रखा हुआ है, कनेक्ट करो इसको, करते हैं अब। देखिए भाई, आता तो हमें भी थोड़ा ही बहुत है, ठीक है। तो चलो बता देते हैं। देखिए, ये जो 3+1 तार होती है, इसका मतलब ये है कि 3 तो ये हो गई तार हमारी, प्लस 1 ये हो गई ये ग्रीन तार। अब ये जो ग्रीन तार है ये वीडियो की तार है। अब जब इसको आप छीलते हैं वाइट वाली बड़ी वाली तार को, इसकी कोटिंग हटाते हैं, तो ये आपको इस तरह से मिलती हैं भाई तारें। 3 ये हो गई, 3+1 मिलती है। बाकी जो 1 है इसको भी आप थोड़ा छीलते हैं, वीडियो तार है। इसमें फिर आपको 2 पॉइंट नज़र आते हैं, एक इस कॉपर की तार, फोकस करिए थोड़ा सा दिखेगी, तो कॉपर की तार हो गई, और ये इसके ऊपर जाली सी होती है चारों तरफ लिपटी हुई, इसको हमने एक तरफ करके और इसको लपेट लिया है। तो ये हमारा नेगेटिव का काम करती है वायर, वीडियो क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, ये वीडियो सिग्नल इसमें से पास होते हैं। बहरहाल बाकी जो है ये 3 तारें हैं, इसमें क्या काम रहता है, ये जो DC कनेक्टर है वो इनमें कनेक्ट हो जाता है। कोई भी 2 तार आप पकड़ के चलिए, जैसे अगर रेड नहीं है इसके अंदर, रेड तो छोड़ दिए, कोडिंग आपको याद रखनी है। ब्लैक को आप नेगेटिव मान लीजिए DC का, और पॉजिटिव किसी को भी मान लीजिए, लेट सपोज मैं ब्लू को लेके चलता हूँ। और ये जो तार एक्स्ट्रा है ये वाली ना, इसमें माइक लगता है। अगर अभी तो माइक हमने है नहीं, माइक की वीडियो अलग बनाएंगे हम, तो अभी ये आपको लेके चलना है नॉर्मल जैसे कनेक्शन हो जाता है, क्योंकि माइक आपके DVR में एक ही कैमरा 1 पे चलता है, तो अभी हम नॉर्मल कनेक्शन की बात कर रहे हैं। बहरहाल चलिए आइए, अब इसमें से आपको ये BNC को छील लेते हैं। BNC को आप छीलेंगे तो वही क्रिम्पिंग टूल के साथ जो ये किट आती है उसमें ये मिलता है ब्लेड, तो इसको आपको इस हाल में रखना है। इसे काट लीजिए, घुमाइए, ऐसे ये भी कट जाएगा बहुत आसानी। ये टूल मुझे बहुत पसंद है, ये टूल मतलब जो है काफ़ी अच्छे से ये, तो इसको काटने के बाद ये 2 तार निकल आती हैं, ये एक तार वीडियो की, वही वीडियो की तार हो जाएगी, और एक नेगेटिव हो जाएगा। तो इसमें से जो आप रेड वाली वायर है इसको आप वीडियो की तार बना लीजिए, इसको ऐसे हाथ से ही निकालेंगे तो निकल जाएगी। इसके अंदर कॉपर की थ्रेड्स होती हैं, ऐसे कर लीजिए, बन गया। और ये जो वायर है इसको भी ऐसे ही करके कर लीजिए, कोशिश करते हैं, देखिए क्या पता बात बन जाए, नहीं बन रही है। अगर ना बने तो ये भी अच्छी बात है, तो तार इसमें लगाइए, हल्का सा फंसाइए इसको, कट जाएगा, और फिर इसको निकाल लीजिए। तो ये बन गया एक तार। यहाँ कुछ नहीं करना है, बस सिंपली ये जो वीडियो की वायर हैं दोनों, एक ये वीडियो की वायर और एक ये वीडियो की वायर, इसको आपको अच्छे से टाइट कर लेना है, कस लेना है। ऐसे करने के बाद इस पर टेप कर देना है, ये टेप हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो तार है नेगेटिव वीडियो की, वो नेगेटिव में करने ऐसे लपेट दीजिए, अच्छे से करिएगा, टाइट कर लीजिएगा, टाइटेंड होना ज़रूरी है, नहीं तो वीडियो क्वालिटी लॉस होगी, आप कहेंगे कि मज़ा नहीं आ रहा है। और इस पर भी टेप कर, इस पर टेप करने के बाद इसके ऊपर पूरा एक साथ टेप कर लीजिएगा, पूरा एक कवर हो जाएगा पूरा। इस पर पहले अलग टेप कीजिए, फिर इसके साथ इसको पूरा टेप कर लीजिए, ये काम ख़त्म। ये आपका एक लीड तैयार हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, ये कैमरे में आपका कनेक्ट हो जाएगा, कैमरे का फीमेल इसमें कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है आपको, कैमरे में पावर देनी है, कैमरे में एक
डीसी होगा, डीसी फीमेल कैमरे में लगा होगा, उसमें जाके ये लग जाएगा। जैसे मोबाइल होता है आपका, मोबाइल में आप चार्जिंग करते हैं, मोबाइल में पोर्ट होता है, पोर्ट में लगा देते हैं जाके, वैसे ही है कैमरे में एक पोर्ट है, उसमें आपको इसको लगा देना है जाके, एज सिंपल एज दैट। तो बस यहाँ से आप इसको लाल वाली तार, हमने जो पॉजिटिव मानी थी नेगेटिव ब्लैक वाली मानी थी, और ब्लू वाली पॉजिटिव थी, और ये येलो वाली हमने कनेक्ट नहीं करी ऑडियो की, ये इसको अलग करेंगे। बहरहाल इसमें आइए आप, इसमें प्लस को प्लस के साथ करिए टाइट, फर्स्ट क्लास हो गया। अभी मैं फटाफट कर रहा हूँ जल्दी जल्दी करने के लिए, और माइनस माइनस के साथ ऐसे हमने इसको कर लिया। और इस पर भी अलग अलग टेप कर लेना है, कोई आपस में टच नहीं होना चाहिए। और इस तरह से ये आपकी तार तैयार हो जाती है। अब ये आपका जो एंड है ये आपके कैमरे में चला जाएगा, कैमरे की तरफ हो गया, कैमरा इधर कनेक्ट है, इधर कैमरा कनेक्ट हो गया। और ये है एक कनेक्टर, ये भी बताना भूल गए, ये जो डीसी कनेक्टर है ये ज़्यादा ड्यूरेबल है, और एक ये डीसी कनेक्टर एक ये है, इसमें क्या होता है स्क्रू होते हैं, ये स्क्रू आप खोलिए और पीछे से इधर से ये जगह बन जाएगी, इस जगह के अंदर आप तार डालिए, यही वाली तार पीछे से दोनों प्लस माइनस, और यहाँ से टाइट कर दीजिए। लेकिन कुछ टाइम के बाद ये काम करना वीक हो जाते हैं, तो हम इसको नहीं लगाएंगे। हमने लेकिन बता दिया इस तरह के कनेक्टर भी आते हैं, ये ज़्यादा बेस्ट है। इसमें टेप वगैरह लग के ये एरिया बिल्कुल बंद हो जाता है, तो इसमें मॉइस्चर नहीं आता है, कुछ नहीं आता है, ये ओपन रहता है तो मॉइस्चर की वजह से वीक हो जाता है। अब आइए इसके दूसरे एंड पे, ये तार आपके DVR में आएगी। तो DVR में एक एंड तो यही वाला कनेक्टर हो गया वीडियो का, इधर आके ये दूसरा एक और में होता है दूसरा वाला, वो यहाँ लग जाएगा आके, वो DVR में चला जाएगा। एक आपकी वहाँ पावर सप्लाई रखी होगी चार्जर, जैसे मोबाइल का चार्जर होता है, तो वैसी पावर सप्लाई एक चार्जर है जो डीसी सप्लाई देता है, उसमें वही प्लस माइनस जो हमने बनाया था, ये दोनों प्लस माइनस, वो डीसी चार्जर के एक प्लस में प्लस घुसेड़ दीजिए, टाइट कर दीजिए एक पॉइंट पे, और एक पॉइंट पे जाके इसको टाइट कर दीजिए, बस बात खत्म। इधर DVR ऑन करिए, उधर कैमरा ऑन हो जाएगा, और आपकी टीवी में कनेक्ट कर दीजिए DVR से, और आपकी वीडियो शुरू हो जाएगी। सेटिंग कर दीजिए जाके आपके DVR में, अगर CP+ का है तो CP+ की सेटिंग कर दीजिए जा करके, सेटिंग भी बता देंगे कैसे क्या सेटिंग होती है, और हिकविजन है तो हिकविजन कर लीजिए। ऐसे ही एक एक करके सारे ही कैमरे कनेक्ट हो जाते हैं, बहुत आसान है, ठीक है। और ये काम अगर आप करना शुरू करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, नहीं किसी के लिए करना चाहते तो अपने लिए कर लीजिए, ऑनलाइन मंगाइए, सारी चीज़ें मंगाइए, बहुत आसान है। किसी एक लोकल इलेक्ट्रीशियन को पकड़ के आप उससे भी करा सकते हैं अगर आप नॉलेज रखते हैं, बहुत आसान है, तो कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। चीज़ें असेंबल करनी होती है, थोड़ा सा अगर आप टेक्निकल नॉलेज रखते हैं, नहीं भी रखते हैं और आप पढ़े हैं जानते हैं तो आप करा सकते हैं। चलिए ठीक है, सारी बातें तो अलग टॉपिक है, तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये कहाँ से आके भाई साहब, ये इस वीडियो का टॉपिक नहीं है, चलिए साइड में रख देते हैं। इस वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका देखने के लिए। कोई सवाल सुझाव हमें देना है कमेंट कीजिए, हम आपको जवाब देंगे। कोई वीडियो बनानी पड़ गई तो वीडियो बनाएंगे। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमें आपके लाइक की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। आप लोग अपना ख्याल रखें, हमारे साथ बने रहें, नेक्स्ट वीडियो मुलाकात करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंड डू सब्सक्राइब।